हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में बीन्स की बहुत ही कम टाइम में झटपट इंस्टेंट बन जाने वाली न्यूट्रिशियस सब्ज़ी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन्स ली हुई है और इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके छोटे पीसेस करने हैं आपने बीन्स को, तो आप छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में इसमें ऐड करना है हमें कुछ मसाले, जिसमें मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर ले रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे काले मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। और बस यहाँ पे सब्ज़ी में हमें नमक डालनी है, तो नमक मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखिएगा। और इस सब्ज़ी में मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मसाले डालने के बाद में मैं इसमें 2 आलू डाल रही हूँ इस तरह से वेजेस में कट कर कर। बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े मैंने नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। तो ये जो सब्ज़ी बनती है ना फ्रेंच बीन्स की आलू के साथ में, बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनेगी, कम मसालों के साथ में बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनती है। तो अगर आपको बीन्स की सब्ज़ी बनानी है इस तरह से स्टर फ्राई कर कर, ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं, हल्की सी सूखी सी सब्ज़ी, तो बस इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बीन्स की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू बीन्स को मसालों के साथ में बहुत अच्छे से मिला दिया है और ये बिल्कुल अब रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा अभी हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना होगा। आलू में भी हल्का सा नमक मसाला का फ्लेवर चला जाएगा और बीन भी थोड़े टाइम में अच्छे से मसालों के साथ में मैरिनेट हो जाएगी। 5 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम की हुई है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल को पहले गरम कर लेंगे और जब ये तेल गरम हो जाएगी तो इसमें डालें 1 पिंच हींग। हींग जरूर डालिएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ राई और 1/2 छोटे चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। अभी इन सारी चीज़ों को हमें क्रैकल हो जाने देना है। तो सब्जियों में बादीपन होता है, इसीलिए हींग जरूर डालिएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है, हल्का सा स्टर कर लिया है मैंने इसे। और अब जब ये तड़का क्रैकल हो गया है तो इसमें शामिल कर दूंगी मैं हमारे यहाँ पे मैरिनेट की हुई सब्जियाँ। तो आलू और बीन्स मसाले लगाकर जो हमने रखे थे वो यहाँ पे डाल देनी है। फ्लेम अभी आप हाई रखें क्योंकि सब्जियों ने मॉइस्चर रिलीज किया होगा अपना। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे आपने जब इसको इस तरह से भूनना है तो ये सब्जियाँ मॉइस्चर रिलीज करेंगी, इसलिए आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मसाले आपस में मिल जाएंगे और तड़का हमने जो गर्म किया था उसके साथ में ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो पहले हमें 1 से 2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिलीज हो यहाँ पे सब्जियों का खुद का मॉइस्चर। बीन्स की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसको बहुत ही आसानी से कम टाइम में बिना कुछ मेहनत के इसको बनाकर तैयार किया जाता है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पर इसको लगातार 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और मसाले वगैरह सब आपस में मिल गए हैं और हल्का हल्का मॉइस्चर रिलीज होने लगा है। इसी टाइम पर हमें क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देनी है और इस सब्ज़ी को हमें ढक कर कुक करना है। तो पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करें, अपने खुद के मॉइस्चर से ये सब्जियां कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पे आलू और बीन्स को हमें गलाना है इसी तरह से ढककर। तो बिल्कुल आंच को धीमी रखेंगे और कवर करके हम इसको आगे के 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से ढककर कुक कर लेंगे। 5 मिनट बाद में मैं यहाँ पे लिड हटाकर चेक कर कर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब्जियों का खुद का मॉइस्चर रिलीज हुआ है और इसी से वेपर से जो है ये सब्जियाँ गलेंगी अभी। तो यहाँ पे देखें, हल्का सा कलर जो है बदलना शुरू हो चुका है, मसाले की बहुत अच्छी सी कोटिंग सी आने लगी है सब्जियों पे और ये बहुत अच्छी सी दिख रही है। तो बीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ डन हो चली है, तो अभी हमें थोड़ा सा इसको और गलाना होगा। तो आलू भी गलने चाहिए और बीन्स भी अच्छे से गलनी चाहिए, इसीलिए वापस से ढक्कन लगा दूंगी मैं और आँच धीमी ही रखूंगी और आगे के 4 से 5 मिनट और इसको कुक कर लूंगी। तो 4-5 मिनट में सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है अब। तो फाइनली 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे और अब मैं आपको लिड हटाकर दिखाती हूँ, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी होने पे आई है और इस तरह से मैं इसको अब स्टर कर ले रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मसालों की बहुत अच्छी सी कोटिंग सी आ गई है बीन्स के ऊपर, आलू के ऊपर, और बीन्स का कलर भी बदल चुका है, मतलब है कि ये बहुत अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसको चेक कर कर भी दिखाऊंगी कि ये अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि सब्जियाँ गली हुई होनी चाहिए तभी टेस्ट अच्छा आएगा। और ये देखें, आलू भी इस तरह से टूट रही है और बीन्स भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस जब यहाँ पर आप इसको चेक कर
कर देख लें कि बीन्स और आलू हो चुके हैं रेडी, गल चुके हैं, तो बस फ्लेम को ऑफ करें और ये झटपट इंस्टेंट न्यूट्रिशियस बीन आलू की सब्जी जो है रेडी हो चुकी है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने आलू भी ऐड की है बीन्स में। अगर आपको और हेल्दी बनाना है या फिर आप चाहें तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं बीन्स वगैरह, तो आप इसमें आलू नहीं डालें, मसाले थोड़े कम रखें और बस इसी तरह से इन मसालों के साथ में बीन्स सिर्फ स्टर फ्राई करें और इसको इंजॉय करें। अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने यहाँ पे आलू भी ऐड किया है और मसाले इतने रखे हैं कि अच्छी सी लटपटी सी सब्जी बने। आप चाहें तो हल्का कम मसालों के साथ में भी इसी तरह से सेम प्रोसेस को अपनाते हुए बिना आलू के ये सब्जी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप आपको मेरी ये आलू बीन्स की सिंपल सी झटपट आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा इसे, और अगर ट्राई करते हैं आप तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी को ट्राई, वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन रेसिपीज़ मिलेंगी और कुछ नया आप ज़रूर सीखेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और बेहद आसान रेसिपी लेकर आप सभी के लिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।